खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मिनिचा तोमर खुद निकली है सड़कों पर, दो आरएसी कंपनी, 600 पुलिसकर्मी, दो एडिशनल एसपी, तमाम डीएसपी, सभी थाने के अधिकारी निकले हैं अपराधियों को दबोचने के लिए। तड़के 6 बजे से ही कार्रवाई जारी है, छापेमार, 100 से अधिक अपराधियों को धर दबोचा है। एसपी ऋचा तोमर, एएसपी चिरंजीवी लाल मीणा, देवेंद्र सिंह, डीएसपी ब्रजमोहन मीणा का जिले में बड़ा एक्शन और ये ऑपरेशन लगातार जारी है अपराधियों की धरपकड़ के लिए। कोशिश यही है कि जो अपराधी फरार चल रहे हैं, लंबे समय से मामले नामजद हैं जिनके खिलाफ, उन्हें दबोचा जाए ताकि आने वाले दिनों में जो वारदातें बढ़ रही थी, चोरी चकेरी की, चेन स्नैचिंग की, मोबाइल लूट की, हत्या की, लूटपाट की, उन पर काबू पाया जा सके। झालावाड़ जिले में तड़के 6 बजे से ही कार्रवाई का दौर, देखिए तस्वीरें भी किस तरह से मुस्तैदी के साथ एसपी ऋचा तोमर, एएसपी सहित पुलिस के अन्य अधिकारी, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और कोशिश यही थी कि जिस तरह से प्रदेश की शांति भंग करने की कोशिश इन आरोपियों ने की बीते कुछ दिनों में, इन्हें पकड़ा जाए और एक सुरक्षित माहौल लोगों के लिए पैदा किया जाए ताकि लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरे नहीं। जिस तरह से देखिए गैंग सक्रिय हुई हैं, अलग अलग गैंग बनाकर के जो कोशिश की जाती है रंगदारी मांगने की या फिर धमकाने की, उस पर कुछ लगाम यहां से लगाया जा सके। समस्त झालावाड़ जिले के अंदर पुलिस मुख्यालय के द्वारा जो अपराधियों का धरपकड़ अभियान चल रहा है, उसी के क्रम में जो अपराधी संपत्ति अपराध के अपराधी हैं, लोकल स्पेशल एक्ट के, माइनर एक्ट के, जैसे एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, एक्साइज एक्ट है, ऐसे अपराधियों के घरों पर अल सुबह से रेड जारी है। इसमें पुलिस का समस्त जाब्ता, समस्त अधिकारी, जिसमें जिले के सभी दोनों एडिशनल एसपी, 9 डिप्टी एसपी, उसी के साथ साथ लगभग 600 पुलिसकर्मी और 2 आरएसी की कंपनी, इस तरीके से लगभग 950 के आसपास जाब्ता इस रेड में लगा हुआ है। पुलिस की 110 टीमें फील्ड में काम कर रही है। अभी सुबह 8 बजे तक 330 लोगों को हम लोग थाने पर लेके आ चुके हैं, उनसे इंटरोगेशन की जा रही है। इंटरोगेशन काफ़ी डिटेल में की जा रही है, जिससे कि उनको असिस्ट करने वाले अपराधियों पर भी पुलिस अगले क्रम में पहुंचेगी। और चलिए हमारे साथ झालावाड़ से सहयोगी आर्य जुड़ गए हैं। आरएफ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का निर्देश था कि बदमाशों की धरपकड़ की जाए, उसके बाद अब जब ये कार्रवाई जारी है, कितने आरोपी हैं, कितने जो वारंटी हैं, हार्डकोर्ट अपराधी, अभी तक कितने बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है? जब से मुख्यमंत्री का निर्देश आया है कि जब जिले भर में या राजस्थान भर में अपराधियों को धरपकड़ के लिए पुलिस कठोर कार्रवाई करे, तो मामले को लेकर आज खुद एसपी ऋचा तोमर, एडिशनल एसपी चिरंजीवी लाल मीणा, देवेंद्र सिंह, डीएसपी ब्रजमोहन मीणा सहित झालावाड़ जिले के तमाम डीएसपी ने, तमाम थाना अधिकारियों ने जिले भर में रेड मारी है। बात करें रेड की, तो रेड में लगभग 330 लोगों को इन्हें धर दबोचा, जो हार्डकोर अपराधी में, जिसमें अन्य अपराधों में शामिल है, 330 लोगों को इन्हें धर पकड़ा है। 2 आरएसी कंपनियां लगी हुई हैं, 950 पुलिस जाब्ता इसमें शामिल है, 110 टीमें में पुलिस के तैयार हैं। बात करें लगातार पुलिस की जिले भर में थोड़े तड़के से ही छापेमार कार्रवाई की जा रही है, शाम तक लगभग एक आंकड़ा 1000 को छूने का क्षमता रखता है। कह सकते हैं जिले भर में जो कार्रवाई है पुलिस की, पुलिस का बड़ा अक्षर है। सो तड़के 6 बजे से ही पुलिस के तमाम थाना अधिकारी, पुलिसकर्मी, तमाम जिले भर में जो जहाँ अपराधी गुस्से में रहते हैं या घर में छिपे हुए रहते हैं या जानकारी वहाँ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए आरिफ, बहुत शुक्रिया आपका मैसेज जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। हर खबर सबसे पहले पहुँचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो, यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा, हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती हैं सबसे पहले सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट।